नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी और बदनाम करने का पत्र मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी लगते ही महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथावाचक के लिए सुरक्षा की मांग की है। लोकसभा सदस्य की ओर से लिखे गए पत्र का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा और रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर देश और दुनिया में प्रख्यात हैं। उनकी कथाओं में लाखों श्रद्धालुओं को देखा जाता है। वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष लेने और दर्शन करने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। कथावाचक को धमकी भरा पत्र मिलने की सूचना लगते ही श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है। बताया गया है कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को जान से मारने की धमकी और बदनाम करने का जो पत्र मिला है उसमें किसी का नाम और मोबाइल नंबर नहीं है। कथावाचक की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लोकसभा सदस्य के लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से लिखा गया, श्रीमती नवनीत रवि राणा जी, आपका 22 दिसंबर 2023 का पत्र प्राप्त हुआ जो कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की सुरक्षा से संबंधित है। गृह मंत्री की ओर से पत्र का 10 फरवरी को जवाब दिया गया है। धमकी भरे पत्र के मामले में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कुबेरेश्वर धाम समिति के सदस्य समीर शुक्ला ने बात करते हुए बताया कि लोकसभा सदस्य को जानकारी लगी तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले भी अमरावती में चिट्ठी मिली थी, अब एक बार फिर से चिट्ठी मिली है। वही मामले को लेकर SP मयंक अवस्थी ने बताया कि इस तरह की जानकारी यहां पर नहीं दी गई है, बाहर का मामला है। भोपाल पुलिस मुख्यालय से प्रदीप मिश्रा जी को सुरक्षा पहले से ही मिली हुई है।